Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, the great viewers. Good morning, good evening, good night. Hasbe Mahmood, aapka mezban Yaqub Javed Kamyana aur prom leke aaye hain live with YJ Kamyana. The great viewers, ye teen wishes hum isliye kehte hain ki puri jo universe hai wo goal hai, kahin subah, kahin sham, kahin dopahar, kahin raat, to hum isliye kehte hain. Good morning, good evening, good night. Best wishes to whole world from Yaqub Javed Kamyana, Lahore, Pakistan. The great viewers, bada sensitive topic aaj urgent basis pe humne socha ki aapke saath share kare. Do padosi mahalle mein agar aapas mein uljhe hue ho to kya surat hal hoti hai, wahi pure town mein अगर आग लग जाए तो क्या होता है, पूरे मुल्क में आग लग जाए तो क्या होता है, और दो पड़ोसी मुल्कों के दरमियान अगर कन्फ्रंटेशन हो जाए तो फिर समझिए कि जीना मुहाल हो गया. दोनों जो मुमालिक की नेशंस हैं उनकी जिंदगियां उजेरन हो गई. फौजें तो लड़ती हैं, अवाम पिसते हैं, ब्रोकरों का असला बिकता है. तो आज ये टॉपिक जो है ये शेयर करवा रहे हैं, और इसके ये जो जंगें होती हैं इसका नतीजा क्या निकलता है वो पूरी दुनिया के सामने है. हम आपको छोटी सी बात, सिर्फ जापान लिए चलते हैं. घुमसान का रन था, जापान जीत रहा था, और फिर एटम बम गिरा दिया गया. अब शोर मचाया जा रहा है पूरी दुनिया में, न्यूक्लियर बंद करें, एटम बंद करें. कभी नॉर्थ कोरिया को धमकियां, कभी साउथ कोरिया को धमकी, कभी कभी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद होना चाहिए, कभी पाकिस्तान के पीछे सैंक्शन लगा दी जाती. भाई सबसे पहले तो एटम गिराया अमेरिका बहादुर ने, और किन पे? उन मासूम जापानियों पे जो जंग जीत रहे थे, जिन्होंने पर्ल हार्बर के ऊपर अमेरिकी फौजों की तबाही मचा दी थी. फिर इन्होंने सालों ने एटम गिरा दिया, फिर दोस्तियां हो गई. कभी वियतनाम में जंग, 22 साल जंग रही, भागना पड़ गया. अफगानिस्तान में जंग रही, क्या नतीजा? अगर तालिबान से सुलह ही करनी थी तो ये 10-15 साल, 14-15 साल, 18 साल क्यों तबाही मचाई? तबाह बर्बाद कर दिया, तोरा बोरा बना दिया. मिसालें बन गई कि हम तोरा बोरा बना देंगे. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर किसने गिराया, कहां गिरा? तबाही अफगानिस्तान में हो गई. और अफगानिस्तान में तो क्या तबाही हुई, द ग्रेट वियर्स, सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान में हुई. हमारे ऊपर जुल्म हो गया, हमारे ऊपर जुल्म के पहाड़ टूट गए. हमारे मासूम बच्चों को एपीएस में जिबा कर दिया गया. हमारी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर साहबा को शहीद कर दिया गया. हमारे जवानों को शहीद किया गया, हमारे इदारों को तबाह किया गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया. अफगान और में जब आके अफगानिस्तान में जब नेटो की फौजें आई तो जो वहां तो जुल्म के पहाड़ हुए, मासूम बच्चों के ऊपर, शादियों के ऊपर, घरों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर डेजी बम गिराए, और कहा जाता है कि वो अमेरिका अमन पसंद है. आज अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट बड़ी मुझे बड़ी मक्काराना लगी. ओ माय गॉड, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात खराब हो गए, टेंस हो गए, और वो हमारे तो हालात पाकिस्तान के साथ बहुत अरसे के बाद बड़े अच्छे होने शुरू हो गए थे. ये कमाल, ये इतनी मक्काराना स्टेटमेंट है. आपका तो असला बिकेगा, रशिया का तो असला बिकेगा, दुनिया का असला बिकेगा, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे, हमारा इदारे, हमारा दोनों मुल्कों के, दोनों मुल्क एक थे 70-72 साल पहले. बंटवारा हुआ, वो अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश, लेकिन वो हमारे बंटवारे से खुश ना हुए, उन्होंने हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया. तो चलिए बहुत दूर नहीं जाते, 65 की जंग, रिजल्ट हम जीते या वो जीते, कौन जीता? लेकिन नुकसान दोनों कौमों का हुआ 71 में. आइए हम आपको वो स्टेटमेंट मोदी सरकार की जो कट्टर दुश्मनी प्रस्त है,
जिसको शायद पड़ोसियों के साथ रहना आता ही नहीं, माजी में भी वहां हुक्मरान आए, चलता रहा, झगड़े चलते रहे, ये हुआ वो हुआ, लेकिन बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने का बबांगे दौर जिन्होंने बनाया वो तो फना फिल्ला हो गए। जिन्होंने बनाने की इसको दाग बेल डाली दुनिया से चले गए, हमारे यहां से भी। वो एक लंबा लंबा टॉपिक है, वो एक दिल दुखाने वाला, दिल दहलाने वाला टॉपिक है, उसको हम नहीं छेड़ते। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का क्या रोल था, मुजीबुर रहमान साहब का क्या रोल था, इधर के न्याजियों का क्या रोल था, उधर के मुक्ति बानी का क्या रोल था, उधर के भाषानी का क्या रोल था, माजी का किस्सा है। बहुत बड़े खून के आंसू रोते हैं इंसान, वो मुल्क के दो लख्त कैसे हुए, वहां बीज बोया मुक्ति बानी का, हिंदुस्तान के उन हुक्मरानों ने, बदबख्त हुक्मरानों ने, जिन्होंने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के अंदर से ऐसा ऐसे जरसुमे छोड़े मशकी पाकिस्तान में कि वहां हम दो भाई आपस में लड़ पड़े, दोनों अलहदा हुए, लेकिन नुकसान किसका हुआ, दोनों मुल्कों का हुआ। वो बांग्लादेश तो बन गया, लेकिन बांग्लादेश का क्या हुआ, जिन्होंने दाल बेग डाली वो सारा खानदान तबाह हो गया, मुजीबुर रहमान का सारा खानदान मरवा दिया गया। उसके बाद कई सालों तक वहां जितने हुक्मरान आए मार दिए गए, और वहां से जितनी दौलत थी वो हिंदुस्तान समेट के अपने मुल्क में लेके चला गया, खजाने लेट के चला गया, लपेट के चला गया। इसी तरह ही जैसे अमेरिका इराक का सारा कुछ निकाल के अपने मुल्क में लेके चला गया। ग्रेट व्यूअर्स, हम बड़े दुख के साथ कह रहे हैं, आइए हम आपको थोड़ा सा शेयर कराते हैं, और ये चैलेंज है। मैं दरखास्त करूंगा इंडियन जर्नलिस्ट से, मैं इतना बड़ा जर्नलिस्ट नहीं हूं, हमारे यहां बड़े बड़े सारे जर्नलिस्ट हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, वहां का मीडिया उनको भी अकल और होश के नाखून उतारने चाहिए। वहां अगर वहां गोली चलेगी तो हमारे बच्चे मरेंगे, अगर यहां चलेगी तो उनके बच्चे मरेंगे, अगर वहां तबाही होगी तो दोनों घरों की तबाही होगी। अरे मोदी सरकार, कोई खौफे खुदा करो, तुम बबांगे धोल कहते हो कि हमने मशरकी पाकिस्तान को तोड़ दिया, तो सबसे बड़े दहशतगर्द तो आप हो, तो किसके ऊपर, आपके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट में चलना चाहिए। कश्मीर में तो आपने जो किया ही किया पिछले 60-70 सालों में, वो इकवामे मुतदा की करारदादें कहीं रत्ती की टोकरी में चली गई, वहां जो जुल्म के पहाड़ ढाए उसकी बात तो अभी हम करते हैं, लेकिन ये तो आप खुद मान रहे हैं कि यस आपने वहां हमारा एक बाजू काटने में, आपने वहां दहशतगर्दी का बीज नहीं, वहां आपने थॉर्न्स बोए, जिसकी वजह से वो हम दो एक भाई जो थे, वो एक खानदान था, एक घर था, एक मुल्क था, हम बिछड़ गए, हम टूट गए, लेकिन उसका क्रेडिट आप ले रहे हैं, और यकीनन वो आपके ऊपर काला दाग है, कलंक का टीका है हिंदुस्तान के ऊपर कि उन्होंने हमारा बाजू काट दिया, और ये आप मान रहे हैं। लिहाजा दहशतगर्द कौन हुआ, बेस तो आपकी है, आप खुद एडमिट कर रहे हैं। भाषानी, मुजीब, ये सब जो बंदे, ये आपके पपिट थे, वहां आपने जो किया उसका अब आप पिछले 30-40 साल से ढोल पीट रहे हैं, तो आप तो मुजरम हुए। आप यही खेल आपने बलूचिस्तान में खेलने की कोशिश की, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं वहां की आवाम को, बलोचों को, हमारे भाइयों को, उन्होंने आपके मुंह के ऊपर मड फेंक दिया, थूक दिया, उन्होंने आपके इस प्रोपेगंडे को डिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा आओ घुस के दिखाओ। फिर आपने हर कोशिश की कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, आप बाजी नहीं आते। मुझे आप हिंदुस्तान के जो सहाफी बरादरी है, मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं, मैं उनसे ये पूछता हूं, बल्कि उनको मैं दावत देता हूं कि आइए बैठिए, मैं आपको टिकट्स दूंगा, वाघा बॉर्डर पे आपको रिसीव करूंगा, आप मेरे साथ बैठ के आप मुनाजरा कर लें, आप डिबेट कर लें, आप बैठ के इस पे बात कर लेते हैं, अगर सवालों के जवाब आप दे दें, और आपको मैं ये साबित ना कर सका कि आपकी
आपके जो हिंदू ज़हनियत के लोग हैं वो हमारे यहाँ दहशतगर्दी के मुर्तकिब हैं, जबकि हम बेकसूर हैं। अगर मैं इसमें नाकाम रहा तो मैं आपको ओपन दावत देता हूँ कि मेरे इस घर पे, मेरे जहाँ कलमा गो मेरे वालदैन, मेरी औलाद जहाँ अल्लाह और अल्लाह रसूल का कलमा लेती है, वहाँ आप हिंदुस्तान का झंडा लहरा दीजिए। अगर आप नाकाम हो गए तो फिर आपका जो हिंदुस्तान का फौजी हेडक्वार्टर है वहां पाकिस्तान का झंडा लहराना चाहिए। आइए आपको ओपन दावा देता हूं, ना मैं को बड़ा साफी हूं लेकिन मैं तारीख का हिस्सा हूं। मैंने जब होश संभाली तो आपने उस वक्त से लेके आज तक, जबकि मैं 60 प्लस हूं, मैं सब आपकी हरकतों को आंखों से जानता हूं, आंखों से देख चुका हूं। आपका आपने ढाका को जो तोड़ा और आपने जो जो हरकतें की, आपने पाकिस्तान में क्या क्या करवाया, उसको एक एक उस चीज लम्हे का मैं शराकतदार हूं, हिस्सेदार हूं, मैं जानता हूं, मैं देखता हूं। मेरे घर में आपने कैसे आग लगाई, मेरे बच्चों को आपने पेशावर में आपने दहशतगर्दी तालिबान के नाम पे करवा दी, मेरे जवानों को आपने मारा, हमारा नेवल का एक एविएशन का जहाज आपने सिंध में गिराया, क्या क्या नहीं किया। हमारे यहां धमाका हो जाए तो हम मुजरम, आपके यहां धमाका हो जाए तो हम मुजरम, कहां की इंसाफी है, कहां की, क्या ये इससे बड़ी मुनाफ़त कोई और हो सकती है। मोदी जी, अब आप धमकियों पे उतर आए हैं, आप मुझे सिर्फ बताएं, मैंने आज ट्वीट भी किया है, मैंने बल्कि उसको बड़ी अप्रिसिएशन मिली है। छोटी सी बात पूछता हूं आपसे कि आप ये बता दें कि एक अलेज्ड अजमल कसाब, जो एक गांव से देहाती बकौल, आपके आपने उसके गांव को भी खंगाल दिया और सारा कुछ उसका शिजरा रसम निकाल दिया, एक देहाती, एक बिल्कुल यारो मददगार, आप उर्दू में कसाब कहते हैं, अगर उर्दू में नाई हजाम, एक माड़ा सा हजाम जिसको आपने अलेज किया और वहां से उसको बरामद किया, जो आपके बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ, आपने उसको दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट करार दिया और फिर उसको आपने फांसी दे दी, दुनिया को बता दिया, आपने सजा दे दी। अरे यार, ये बताओ, अगर एक मामूली कसाई का बच्चा, ये यंग लड़का, बेयारो मददगार आपके यहां अंदर घुसता है, आपके यहां जाता है, वो क्या लेके जाता है, वो C-130 पे जाता है, वो F-16 पे जाता है, वो टाइटैनिक पे जाता है, वो किस तरह जाके वहां अस्त्र लेके चला गया, आपकी तमाम एजेंसियों के जो आंखें थी उसमें राख पड़ गई, धूल पड़ गई, बिनाई खत्म हो गई, एजेंसियां फेल हो गई, और एक निहत्ता अजमल कसाब, जिसको आपने दुनिया में बड़ा, बहुत बड़ा बदमाश कहा, टेररिस्ट कहा, और उसने आपके भुरकस उड़ा दिए। हमारा बंदा नहीं था वो आपने फैब्रिकेटेड किया हुआ था। एक बंदा निहत्ता कसाई कसाब, वो उसने आपका बाजा बजा दिया। यार, आप उसको नहीं संभाल सके, शर्म आनी चाहिए आपको, बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे हिंदुस्तान के साफियों, कुछ आप ही इनको समझाओ, कुछ आप ही इनको लिताड़ो, आप भी उसी डगर पे चल पड़े। भाई एनालिसिस करो कि हिंदुस्तान में एक बेचारा माड़ा सा सहाफी जो है वो सबको, हुकूमत को आगे लगा दे, हुकूमत टॉपल कर दे, तो ये कैसी एजेंसियां किधर गई, आपकी एस्टेब्लिशमेंट किधर गई, आपके सारे जो यार्डस्टिक हैं, आपके सिक्योरिटी मेजर्स हैं, वो किधर चले गए। आइए आगे चलते, फिर आपने बाकी, फिर आपको शर्म नहीं आती, आपको डूब मरना चाहिए। हिंदुस्तान के साफियों, कुछ तो शर्म करो यार, आपके सामने नहीं दुनिया के सामने, तमाम दुनिया देख रही थी, तमाम अंधी दुनिया देख रही थी, तमाम इकवाम मुतदा देख रही थी, और अरब से ज्यादा मुसलमान मस्त हाथियों की तरह देख रहे थे, और हमारी बाबरी मस्जिद वो एक निशानी, एक मुगल शहनशाहों की निशानी और अल्लाह का घर, मुसलमानों की बहुत बड़ी मस्जिद को आपने उसको मिलिया मेट कर दिया, दुनिया देख रही थी। कहां था आपका वो इंसाफ, कहां थी आपकी सुप्रीम कोर्ट, कहां थी आपकी अदालतें,
सबके सामने उसको हिंदुओं ने और ये मोदी सरकार जैसे कुंदजैन और दहशतगर्द नमाजें रखने वाले हिंदुओं ने उसको मस्जिद हमारी शहीद कर दी। इतनी बड़ी निशानी, उस मस्जिद का कोई कसूर नहीं था, वहां कोई दहशतगर्दी नहीं थी, वहां कोई तालिबान नहीं था, वहां कोई अजमल कसाब नहीं था, वहां कोई जैश ए मोहम्मद नहीं था, वहां हाफिज सईद साहब नहीं थे, आप थे। किसने दहशतगर्दी की? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में हाफिज सईद साहब ने दहशतगर्दी की, जैश ए मोहम्मद ने वहां की, हमारी आईएसआई ने की, आपने की। बांग्लादेश आपने बनवाया और आप उस पर जश्न मनाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, आप खुद एडमिट कर रहे हैं, आप कन्फेशन कर रहे हैं कि आपने हमारा मुल्क तोड़ा। दहशतगर्द आप हुए या हम हुए? आप बलोचिस्तान में आपने किया, कलभूषण आपका फूफड़ है, कौन है? कभी आप उसको मानते नहीं है, कभी आप उसको कहते हैं हमारा बंदा ही है, कभी आप उसको कहते हैं काउंसलर एक्सेस नहीं दी जा रही। व्हाट द हेल, क्या कर रहे हैं आप? लड़ लीजिए, लड़ाइयों में जो है, लड़ाइयों का जो रिजल्ट निकला वो आपके सामने है। दुनिया जान की लड़ाई, अमेरिका ने पूरा जोर लगा लिया अफगानिस्तान में, जो कर सकता था कर दिया। आज कतर में, आज रशिया में बैठ के तालिबान, तालिबान के साथ सुलह की बात हो रही है, निकले के रास्ते ढूंढे जा रहे। तो भाई बात सुनो, अब आप बाकी भी छोड़ दें, और भाई आपने सिखों के जो गुरुद्वारा था, जो बड़ा टेंपल था, गोल्डन टेंपल के ऊपर हाफिज सईद साहब ने जाके हमला कर दिया था, जैश ए मोहम्मद ने हमला कर दिया था, मेरी आईएसआई ने हमला कर दिया था, मेरी एमआई ने हमला कर दिया था, हमारे जनरलों ने हमला कर दिया था, हमारी आवाम ने हमला कर दिया था। डूब मरो, सिखों के गोल्डन टेंपल के अंदर तुमने जाके उनका जो हशर किया, वो दहशतगर्दी किसने की? हमने नहीं की, आपने की। कश्मीरी बिचारों के साथ जो आप जुल्म कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अपना मुल्क, अपने हकूक मांग रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान पढ़ लीजिए, आपके अपने जज साहब, साबिक सुप्रीम कोर्ट, आपकी सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जो हैं जस्टिस मरखंडे साहब, वो क्या कह रहे हैं? आपके अपने जर्नैल क्या कह रहे हैं? आपकी अपनी जो लॉ मेकर्स हैं, आपकी कांग्रेस क्या कह रही है? आपके अंदर क्या कह रहे हैं कि ये बहानाबाजी छोड़ दें, ये फ्रॉड छोड़ दें, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स के ड्रामे छोड़ दें, ये अपनी हठधर्मी छोड़ दें, ये बाबरी मस्जिद नहीं है, ये पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम का किला है, एक आईएसआई नहीं है, एक एमआईए नहीं है, यहां पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम का हर बच्चा आईएसआई है, हर बच्चा एमआई है, हर बाजवा है, हर खोसा है, हर नवाज शरीफ है, हर इमरान खान है, हर आसिफ है, तमाम 20 करोड़ लोग जो हैं सर पे कफन बांधे हैं। सुन लो मोदी सरकार, मोदी साहब, ये चाय का खोखा नहीं है कि आप गिरा देंगे, ये मैं आपको, आपको होश नहीं है, आप ये ड्रामेबाजी बंद करें। आपने इलेक्शन लड़ना है तो अपने घर में लड़िए, आप पाकिस्तान से लड़ने की, ये 71 वाला पाकिस्तान नहीं है, यहां अब कोई मुजीब नहीं है, समझ लग गई, यहां कोई मुक्ति बानी नहीं है, यहां बलोचों से लेके बलोच, तमाम कौमें, तमाम नस्लें, एक एक बच्चा तुम्हारे मुंह पे थूकेगा। हिंदुस्तान में बसने वाले तो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, इधर वाले हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, वहां के सहाफी जो अक्लोशौर रखने वाले लोग हैं वो लड़ाई से इज्तनाब करते हैं। तुम चंद साल की हुक्मरानी के लिए ये ड्रामे रचा रहे हो, वो खौफ खुदा है आपको? आप बाज आ जाए, इलेक्शन जीतने हैं तो वहां अपने जो मर्जी करें। कभी आप कश्मीर में कश्मीरी बच्चों के ऊपर, कश्मीरी ख्वातीन के ऊपर जो बेहुर्मती हो रही है उसके ऊपर, तो मैं वहीं की आवाम ये लिख ले, वहीं की आवाम, जिस तरह तेरी फुफी इंदिरा गांधी को, वहीं सिखों ने, हाफिज सईद साहब ने इंदिरा गांधी को मारा था, वाजपेयी को किसने, जैश मोहम्मद ने मारा था, हमारी आईएसए ने मारा था, आपके इंदिरा गांधी को किसने मारा? और जवाब तो दो भाई, किधर चले गए हो? तुम्हारे अपने गार्डों ने मार दिया था, लगाओ इल्जाम हमारे ऊपर कि वो भी हमने किया, हद हो गई।
और मुजीबुर रहमान को हमारी ISI ने मारा, मुजीबुर रहमान को हमारी MI ने मारा, मुजीबुर रहमान को हमने मारा, मुजीबुर रहमान को हमारे सही साहब ने मारा, मुजीबुर रहमान को जैश ए मोहम्मद वालों ने मारा, सिपाही साहब ने मारा। अरे मुजीबुर रहमान को तो आपने जब काम सारे निकल गए, मुजीबुर रहमान का सारा खानदान तुमने बर्बाद दिया। अब बंगालियों कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ होश करो, आप हमारे भाई थे, आपको इन्होंने बर्बाद कर दिया, सब वहां से आपका गोल्ड उठा के लेके चले गए, आपकी मशीनरी उठा के लेके चले गए। लेकिन याद रखो, हिंदुस्तान के बसने वालों, इसको समझाओ, ये जो खेल खेलने जा रहा है, इसका खौफनाक जवाब यहां से आएगा। अभी तो हमारे गफूर ISPR के DG ISPR गफूर साहब ने, मेरे जनरल गफूर साहब ने आपको सिर्फ बड़े पोले अंदाज में कहा है। अभी आपने जरा, जो नस्लें अब तक हयात हैं 65 वाली, इस कौम को आप जानते नहीं, ये तो छतों पे चढ़ जाने वाली बार है। 20 करोड़ लोग बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। बाजवा साहब ने तो अभी तकरीर का सोच रहे हैं, तो बच्चे जाके बॉर्डर पे पहुंचे होंगे, हर शख्स वहां खड़ा होगा। लेकिन नहीं, हम लड़ना नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। हम सरदार ओलंपिया जो रहमतुल्लिल आलमीन है, हम उनकी उम्मत हैं। उन्होंने वो लड़ाई नहीं करते थे, वो अमन के दाई थे, हम उनके फॉलोअर हैं, हम उमर बिन खिताब के फॉलोअर हैं, हम साहबा इकराम के फॉलोअर हैं, हम हसन और हुसैन के फॉलोअर हैं। लिहाजा सर पे कफन बांध लिया है, तैयारी कर लो, लेकिन फिर सोच लो, वहां बम गिरे या यहां गिरे, दो घरों के बच्चे मरेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा साथ टूटेगा, जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की, उनको छितर पड़ेंगे, उनको जूते पड़ेंगे। और जिन्होंने ईस्ट पाक, हम आपका, आपसे हिसाब लेने के दिन आ गए। इंशाल्लाह नजीर, हमारी पाकिस्तान की अफवाज, हमारे तीनों चीफ और नीचे से लेके जो सिपाही से तीनों चीफ, हमारी आला अदलिया, हमारे तमाम अदलिया, निजाम अदलिया, हमारी पार्लियामेंट, हमारा वजीर आजम, हमारे सबक वजीर आजम, हमारे तमाम लीडरान एक पेज पे नहीं, एक बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, और 20 करोड़ आवाम उनके दाएं बाएं खड़ी हुई है, और कलमा शहादत कहते हुए हिंदुस्तान के शहरियों को नहीं, बेचारे निहत्ते फौजियों को नहीं, सहाफियों को नहीं, मोदी सरकार तुम्हारे चेलों का सर टूटने वाला है और तुम्हारा भुरकस निकल जाएगा। तुमने किस कौम को ललकारा है? जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को विद करती है, उससे तुम क्या लड़ोगे? तुम ढूंढ रहे हो 71 के सिपाही, तुम ढूंढ रहे हो मुजीब जैसे बंदे यहां, तुम ढूंढ रहे हो भाषानी जैसे बंदे यहां, तुम अल्ताफ को ढूंढ रहे हो, अरे फनाफिल्ला हो गए। यहां तो मोहम्मद बिन कासिम है सारे, यहां सब तमाम सरदारों लंबिया के जो फॉलोअर हैं, इमामों लंबिया के जो फॉलोअर हैं, उमर बिन खिताब के जो सिपाही हैं, हसन और हुसैन के जो जियाले हैं, और अल्लाह का नाम लेने वाले तैयार खड़े हुए हैं। हया करो, शर्म करो, और जनरल आप अपने, आपके जो चीफ्स हैं, आपके जो जर्नैल हैं हिंदुस्तानी, उनकी बात पे अमल करो। वहां के जो साफी, जो अकल वाले हैं, जी शऊर साफी हैं, उनकी बातों पे ध्यान दो। हमारे यहां जो जर्नलिस्ट हैं वो धीमे हैं, वो लड़ाई झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ रहे, वो समझा रहे हैं। दो घर फिरने नहीं लड़ने चाहिए, दो भाई नहीं लड़ने चाहिए, दो दोस्त नहीं लड़ने चाहिए, हमने जीना मरना इकट्ठे है। जो तुम कर चुके वो कर चुके, वो अम्मा मर गई, वो कहते हैं वो दिन लद गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, मोदी मियां अब फाख्ता उड़ाने के दिन गए। लिहाजा पाकिस्तानी कौम और हिंदुस्तानी कौम भाई भाई हैं। वहां के आर्टिस्ट मिलते हैं, हमारे आर्टिस्ट जाते हैं उधर के सकाफती लोग, सकाफती शो, टूरिज्म प्रमोट हो, इधर से लोग जाएं। अरे यार, इतने थके हुए बंदे हो, हमें टमाटरों की ताने देते हो, आपका टमाटर नहीं आएगा। अरे खुदा के बंदो, इधर से कुछ जाता है, उधर से कुछ आता है, तो दोनों कौमों की
दोनों कौमों का, किसान खुशहाल होता है, कारोबार चलता है, आप जंग की बात करते हो, आप धमकियां देते हो। चलिए माजी को छोड़िए, मुझे बताइए हिंदुस्तान के साफियों इस चीज का जवाब दे दो यार, कोई चले आप भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हैं, सिर्फ ये बता दीजिए कि 150 वीर अंदर जाके आप में जो सबसे बड़े जो टॉप के लेवल के साफी हैं, कलदीप नैयर साहब जैसे साफी, वो मुझे बता दें कि क्या पुलवामा जो है आपका जो भी बेस था उस तक पहुंचना किसी आम बंदे के बस की बात है? अरे वहां कोई सिर फिर ही पहुंचेगा? जिसकी आप बेटियों की इस्मत दरी करते हैं, जिनकी बहनों की इस्मत दरी कर रहे हैं, जिनके ऊपर बम मार रहे हैं, वही वहां पहुंच सकता है। पाकिस्तान से क्यों जाएगा? पाकिस्तान 150 किलोमीटर या 150 मील आपके, वो उसका पाकिस्तान की फौज अपना वक्त क्यों जाया करेगी, वो अपने बम क्यों जाया करेंगे आपके ऊपर? आपको तो आपके अंदर से ही काफी है छितर मारने वाले, जूते मारने वाले। कश्मीरी बच्चे जो हैं तंग आ चुके हैं, जब आप वहां इज्जतों को पाबहाल करेंगे, जब आप वहां रुसवाई कर देंगे, जब आप वहां बैंड डलवाएंगे, जब आप गोलियों से भूम देंगे, जब आप डेजी बम्बों से, आप बमों से भूम देंगे, तो वो पुलवामा नहीं, वो आपका पजामा फाड़ के रख देंगे। हमें क्या जरूरत है? आप उनको संभालिए, उनके साथ बैठिए और फारूक अब्दुल्ला साहब के इंटरव्यू को इजी ना लीजिए। वो तो आपके, उसका, उनके वालिद मोहतरम तो आपके मारूफ पपिट थे, लेकिन उनके बेटे ने जो कल स्टेटमेंट दी है, जो उनका इंटरव्यू है, हम इसमें अपने प्रोग्राम में चलाएंगे और फिर आप बताइए कि वो भी आईएसआई के बंदे, वो भी हाफिज सईद साहब का चेला है, वो भी जैश मोहम्मद का शागिर्द है, वो भी जनरल बाजवा साहब का भेजा हुआ बंदा है। अरे आपके हाथ तो अपने, आपने एक कुछ कलभूषण हमारी तरफ भेजे, कुछ आपने अंदर छोड़े हुए जो आपकी दवाई का बायस हो जाएंगे, आप हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह अजीज, पाकिस्तान सलामती के लिए बना है, पाकिस्तान बाबा कौम और उनके दोस्तों ने, उनके साथियों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया, तो इसलिए तो सलामत रहना है। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी। दास्तानों में एक छोटा सा वक्फा और मिलते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। कीप वॉचिंग DNN।